हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक्नोस्फीयर 008। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने और हमारे चैनल टेक्नोस्फीयर 008 में। और आज मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ व्हाट्सएप के रिगार्डिंग। लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको प्लीज़ करके इसको एक बार क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ देता रहूँ, समझे। तो आज की वीडियो है हमारी व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो ध्यान लगा के इस न्यूज़ को कान लगा के सुने। तो दोस्तों, आजकल काफ़ी रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप एक व्हाट्सएप में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। जी हाँ, काफ़ी चीज़ों का। और इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप एक मुश्किल में पड़ सकते हैं, आपको एक मुश्किल आ सकती है, आपको जेल भी हो सकती है। तो आइए बताते हैं आपको क्या है व्हाट्सएप के रूल। तो भैया, सबसे पहले अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपके ग्रुप में हैं तो आपके ग्रुप के जितने मेंबर हैं तो वे सारे रिलायबल होने चाहिए। कोई नकली बंदा, कोई फ्रॉड बंदा उसे अपने ग्रुप में अगर है, अगर आपको नहीं पता है कि भैया उस बंदे की डिटेल, उसे फटाफट निकाल दो बाहर। अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर उसने कोई अच्छा गंदा कंटेंट डाल दिया है या फिर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डाल दिया है तो आप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर की होने वाली है, बैंड बजने वाला है। तो इस तरह के काम ना करें, रिलायबल बंदों को, अपने जान पहचान वालों को ही ग्रुप में रखें। ऐसे आलतू फालतू ऐरु गहरे नत्थ वगैरह को अपने उसमें मत रखें ग्रुप में, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है भैया, अगर कोई आपके ग्रुप में फालतू के मैसेज डाल रहा है, हेटिंग वाले हेटर्ड मैसेज डाल रहा है, कोई ऑब्जेक्शनेबल मैसेज डाल रहा है, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो उसके नंबर के बारे में, जी ये रही मैसेज और ये रहा वो, इसने वो कर रखा है। तो इसमें आप पुलिस में कैसे जाएंगे? तो पुलिस का जो सेक्शन है, सेक्शन 153A ऑफ IPC डील्स विद प्रमोटिंग एमिनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, ETC। तो मतलब कि जो हमारे संविधान में सेक्शन 153 है IPC का, उसमें अगर कोई किसी धार्मिक घटनाओं को या फिर रिलीजियस घटनाओं को बोल सकते हैं आप, या फिर किसी की रेस के बारे में, किसी के धर्म जात के बारे में कोई अगर टिप्पणी कर रहा है, तो आप वो क्रिमिनल के उसके कैटेगरी में आता है और आप उसकी शिकायत कर सकते हैं अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर, और वो ज़रूर फंसेगा। वो आजकल हम काफ़ी केसेस देख रहे हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी पर, हमारे चीफ मिनिस्टर पर, या फिर किसी भी अन्य महान हस्ती पर, तो आप उनकी शिकायत करें और उन्हें दंड दीजिए। वो आप उनका क्या हक होता है किसी पर टिप्पणी करने का? तो आपको मैं व्हाट्सएप पे बता रहा हूँ, इस तरह के मैसेज जो अगर कर रहे हैं तो, अगर आप कर रहे हैं तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए, अगर कोई और कर रहा है उसे भी मना करिए, पहले उसे वार्निंग दीजिए, अगर वो फिर नहीं मानता तो उसकी शिकायत करिए। तो आपको आज पता लग गए हैं रूल, व्हाट्सएप पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फालतू के मैसेज को मत फॉरवर्ड करें अपने, अगर आपके ग्रुप में कोई इस तरह का व्यक्ति है उसको तुरंत बाहर निकालें और व्हाट्सएप को बहुत ध्यानपूर्वक यूज़ करें। और दोस्तों, आते हैं अपनी वाली पर, बाकी ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जल्दी जल्दी करें यार, बहुत वेट मत करवाओ। बाय बाय।